हाँ भाई, आज हम मौजूद हैं बेल्जियम के तीसरे सबसे बड़े शहर एंटवर्प। एंटवर्प तो ऐसी बहुत सी चीज़ों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ हम कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। मसलन यहाँ का पोर्ट, एंटवर्प पोर्ट दुनिया के 20 बड़े पोर्ट्स में इसका शुमार होता है, लेकिन यूरोप का ये दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है आफ्टर रोटरडाम। एक अंदाजे के मुताबिक 2018 में यहाँ से 235.2 मिलियन टन कार्गो गुजरा था। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसके लिए एंटवर्प मशहूर है, वो है डायमंड का कारोबार। एंटवर्प को डायमंड कारोबार का मरकज माना जाता है और दुनिया के 80% बगैर तराशे गए हीरे यहाँ से गुजरते हैं। एक स्टडी के मुताबिक 2011 में इसका टर्नओवर 26 बिलियन था। 2020 में ग्लोबलाइजेशन इन वर्ल्ड सिटीज रिसर्च नेटवर्क ने एंटवर्प को गामा की रेटिंग दी है, मीन्स अल्फा बीटा गामा। यहाँ की आबादी में तकरीबन आपको 180 नेशनैलिटीज़ के लोग मिलेंगे। 2019 में एक सर्वे के मुताबिक यहाँ पर 50% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन में से कोई एक बेल्जियम सिटीज़न नहीं है। क्रिसमस मार्केट का माहौल एंजॉय करने के बाद हम यहाँ एक दुकान पर गए। हमने वहाँ का बोर्ड पढ़ा, लेकिन हमें कहीं भी नहीं मिला कि आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ खालिस चीज़ मिलेगी। प्राइस में वेरिएशन आपको ज़रूर मिलेगी बाकी मुल्कों के मुताबिक, लेकिन क्वालिटी पे भी कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो हमने यहाँ से कुछ चीज़ें ली।